वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो अभी मैं हूँ दिल्ली मेट्रो में, मैजेंटा लाइन में, वही ड्राइवरलेस मेट्रो। मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल हौज खास में। हाँ, मैं रथ यात्रा के टाइम पे भी गया था, उस टाइम पे मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पाया था क्योंकि बहुत भीड़ बहुत थी। तो चलो आपको अब फिर से दर्शन कराता हूँ मंदिर के। मैंने ऑटो ले लिया है मंदिर तक। वैसे अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपका नीरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा हौज खास का। हौज खास के मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो वगैरह लेते हैं तो 50 रुपये पड़ता है जगन्नाथ टेम्पल के। मतलब मैं तो इसी यही प्रेफर करता हूँ, मतलब यही सस्ता कन्वेंस है जाने का। तो चलो अब चलता हूँ जगन्नाथ टेम्पल के, बाकी आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। और कॉमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर जय जगन्नाथ। बाहर से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हम लोग पहुँच चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल। यार मतलब रथ टाइम पर मतलब मैं अंदर नहीं जा पाया। चलो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जब मैं रथ यात्रा पे आ रखा था कितनी भीड़ थी, और अभी देखो कोई क्राउड नहीं है। पहले वाली क्लिप में आपने देखा रथ यात्रा के टाइम पे कितनी भीड़ थी, इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पाया। मत अभी आप देखो, अभी एकदम खाली पड़ा है मंदिर, मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अच्छे से दर्शन होंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ प्रभु को। तो चलो देखने के लिए तैयार हो तो रेडी हो जाओ, कॉमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर जय जगन्नाथ। लोग भी दर्शन कर लीजिए जगन्नाथ टेम्पल के। वैसे जगन्नाथ टेम्पल के टाइमिंग की बता दूं आपको, कब से कब तक खुला रहता है ये, सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है 1:30 बजे, और 4 बजे से लेके उसके बाद फिर शाम को खुलता है, 4 बजे से लेके 10 बजे तक खुलता है रात के। ये जो जगन्नाथ का टेम्पल है ये हौज खास में है, और ये उड़िया समुदाय ने बनवाया है ये मंदिर को, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है ये मंदिर। ये मंदिर फेमस किस लिए, चलो आपको बताऊं। ये मंदिर फेमस है जो रथ यात्रा निकलती है हर साल, इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे मंदिर में। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी रथ यात्रा वाली तो आपको पता ही होगा, मतलब बहुत भीड़ लगती है, और मतलब ये जो रोड अभी आप खाली देख रहे हैं इतनी क्राउड होता है इधर मंदिर में, मंदिर पूरा भरा रहता है। मैं मंदिर में जा नहीं पाया रथ यात्रा के टाइम, फिर मुझे मिला है प्रसाद, महाप्रसाद मिला है, तो बस अभी इसी को खा रहा हूँ। बाकी मंदिर के आसपास देख रहा हूँ यार, मतलब और भी मंदिर वगैरह हैं यहाँ पे। मैं जब आप मंदिर का एंटर करते हो तो एक गणेश जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर बना रखा है, और भी है एक काली माता का मंदिर है, और भी 3-4 मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल के आसपास। आप चाहें तो परिक्रमा के जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ भी जा रखा हूँ, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा।
वैसे यार यहाँ का जगन्नाथ का मंदिर भी गजब था। प्रसाद तो खा नहीं पाया क्योंकि ये मंदिर भी बंद होने वाला था, 1:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। आप लोग आते हो तो आप लोगों को टाइमिंग बताई थी मैंने, टाइम के हिसाब से ही आना। वैसे ये मंदिर रात के 10 बजे तक भी खुला रहता है, लेकिन ये 4 बजे खुलता है शाम को, तो 4 से 10 के बीच अगर आप आना चाहते वो टाइम भी बढ़िया है। आप मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा रखा है और एक ध्वजा भी है, पता नहीं ये ध्वजा बदलते हैं कि नहीं, बट जगन्नाथ पुरी की जो ध्वजा है वो रोज़ शाम को चेंज होती है लगभग 5 से 5:30 के बीच। मतलब यार वो ध्वजा आप बदलते हुए आप देखना चाहते हो तो एक बार पुरी जाओ, आपको अच्छा लगेगा। बाकी सुदर्शन चक्र तो यहाँ का तो पता नहीं, बट जो पुरी का सुदर्शन चक्र है उसे आप 360 आप कहीं से भी देख लो, हर तरफ से आपको सेम दिखाई देगा। और जो फ्लैग है ये अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है, बट ये जगन्नाथ टेम्पल का तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे दिल्ली वाले में। बट आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो अपनी आँखों से देखना जब जगन्नाथ पुरी जाते हो। तो मंदिर भी अब बंद होने ही वाला है, तो चलो अब हम भी निकलते हैं। जब मैं रथ यात्रा देखने आया था तब मैं दर्शन नहीं कर पाया था जगन्नाथ प्रभु के, क्योंकि रथ चला गया था और मंदिर में जाता तभी भी प्रतिमा जो थी वो रथ पे थी। बट अभी देख लिया, अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पे बैठा भी था। आप लोग भी चाहें तो आ सकते हैं, नीरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा हौज खास का। तो चलो अब निकलता हूँ मंदिर के बाहर, बाकी मंदिर के बाहर रथ भी खड़ा है, चलो आपको रथ भी दिखा पाऊँगा। वैसे रथ को कवर कर रखा है, देखता हूँ आ पाता हूँ कि नहीं। बाकी अब भाई चलता हूँ मैं, वैसे आप लोग भी आ सकते हैं। वैसे जो इसके नीचे है अंडरग्राउंड बना रखा है, मतलब नीचे से रास्ता जाता है, वहाँ पे आपको खाना हो तो आप खा भी सकते हैं। मतलब हर दिन का अलग अलग मेन्यू है, मंडे से लेके संडे तक। संडे को सैटरडे संडे ज़्यादा वैरायटी होती है, तो आप लोग आते हो तो सैटरडे संडे आना, क्योंकि उस टाइम वैरायटी ज़्यादा होती है। और कोशिश करना कि मतलब 1:30 बजे से पहले पहले आ पाओ, क्योंकि शाम को एक चीज़ कम हो जाता है। पता नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर संडे को एक बार जाऊँगा और ट्राई करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा, क्योंकि मंदिर बंद हो गया था। तो मैं मंदिर से बाहर आ गया। वैसे ये रास्ता हौजखास विलेज को जाता है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ से। हौजखास विलेज यहाँ से पास है, करीब 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बाकी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ रथ, अभी रथ तो कवर कर रखा है, चलो आपको दिखाता हूँ जब रथ यात्रा में आया था मैं। सो गाइज, अभी मैं हूँ शिवाजी स्टेडियम मेट्रो में, तो वीडियो ख़त्म ही करने जा रहा था तो मेरे को एक चीज़ दिखी, चलो आपको भी दिखाता हूँ मैं। जो शिवाजी स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन में आप आते हो तो नीचे की साइड जहाँ पे टोकन मिलता है उसी के जस्ट राइट में ये मेरे को स्टोर लगेज का दिखा, लॉकर वगैरह का। आप चाह अगर मतलब आप सेम रूट पर जर्नी करते हो तो आपके लिए तो फ़ायदेमंद ही है। लॉकर सिस्टम मेरे को अच्छा लगा, आप लॉकर में सामान वगैरह रख के वहाँ पे रेट वगैरह भी लिखे थे, अच्छा लगा। तो चलो अब ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे और किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर। गाइस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे और किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।